जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का खंड 1 अध्याय 3 नास्तिवाद और हिटलर का उदय पढ़ेंगे। बच्चों आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। बच्चों इस अध्याय में आपने एक छोटी सी कहानी देखी है कि हेलपुट एक छोटा सा 11 वर्षीय बालक जो रात को अपने बिस्तर पर सोने जब गया तो उसने अपने माता पिता की कुछ बातें सुनी जो बहुत ही चिंताजनक लग रही थी उसे। उसके पिता उसकी माता से कह रहे थे कि अब हमें अपना परिवार सुरक्षित नहीं लग रहा है, अब अपने सुरक्षा की कोई भी संभावना नहीं है। हमने यहूदियों के साथ जिस प्रकार के यातनाएं उन्हें दी है वही यातनाएं अब हमें झेलने का वक्त आ गया है। और वो बहुत ही चिंतित थे और उन्होंने दूसरे दिन अपने बालक हेलपुट के साथ कुछ बगीचे में समय बिताया, उसके साथ दिन भर खेले कूदे। वो एक महान चिकित्सक थे और हिटलर के बहुत ही करीबी थे। उन्होंने अपने बच्चे के साथ समय बिताया लेकिन जब उनका वो कार्यालय था वहां उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद उनके खून से सने हुए जो उनकी ड्रेस थी उसे घर में ही अलाव में जला दिया गया। उस छोटे से बालक के मन पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा और उसे हमेशा लगा कि शायद ये बहुत बड़ी कोई घटना थी। बालक के मन में अपने माता के प्रति भी बहुत ही डर पैदा हो गया। उसने अपने घर में कई दिनों तक भोजन नहीं किया। उसे हमेशा डर रहता था कि माता भी उसे अपने भोजन में जहर मिलाकर देती। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है कि हेलपुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की। ये है कि नासीवाद जो है उसने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए और इस अत्याचार के परिणाम स्वरूप ही हेलपुट के परिवार में ये घटना घटी। इसी माध्यम से हम देखते हैं जर्मनी का इतिहास। जर्मनी का इतिहास, वाइपर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक बहुत ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता था, के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा था। इस युद्ध से सभी को फायदे की उम्मीद थी, इसलिए सभी राष्ट्र इस युद्ध में शामिल हो गए। इस युद्ध का पूरे यूरोप के आर्थिक रूप से कमजोर हो गया क्योंकि युद्ध में बहुत अधिक पैसा डाला गया। बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा करने में जर्मनी सफल हो गया और 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया था, जो अभी तक इसमें शामिल नहीं था, और इससे मित्र राष्ट्रों की ताकत बढ़ गई। 1918 में जर्मनी की बहुत बुरी तरह हार हुई। जर्मनी की हार से जर्मनी एक नया गणराज्य बन गया। पहले विश्व युद्ध ने जर्मनी के पराजय के बाद विजयी देशों ने जर्मनी पर कई कठोर शर्तें रख दी। वर्साय संधि जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। इस संधि से जर्मनी को अपने उपनिवेश, कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क, लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी पर 6 अरब पौंड का जुर्माना उस समय लगाया गया था, जो सबसे अधिक था। जर्मनी का खनिज संसाधनों वाला क्षेत्र राइनलैंड पर 20 वर्षों तक मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। सारा उन खजानों का या उन खदानों का उपयोग मित्र राष्ट्र ही विश्व तक करते रहे। अब है कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या असर हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे यूरोप महाद्वीप को आर्थिक व मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर कर दिया। वाइमर गणराज्य ने राष्ट्रीय अपमान सहना पड़ा। सिपाहियों को आम नागरिक से आर्थिक सम्मान दिया जाने लगा। राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई बच्चों, उसी समय रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। जर्मनी में भी स्पार्टिकिस्ट लिंक क्रांति की योजना बनाई जा रही थी। जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली जा रही थी। कम्युनिस्ट में साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए थे। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध बहुत अधिक कर्ज लेकर लड़ा था बच्चों, और युद्ध के बाद उसे हर्जाना भी देना पड़ा। लेकिन 1923 में जर्मनी ने कर्ज व हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र रूर पर कब्जा कर लिया। रूर क्षेत्र में जर्मनी का विशाल कोयला क्षेत्र था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में कागजी मुद्रा का छापना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने कागजी मुद्रा इतनी अधिक मात्रा में छापी कि उसका मूल्य कम हो गया। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी वस्तुओं की कीमत भी महंगी होती गई। मार्क वहां पर उस समय की मुद्रा थी। जर्मन नागरिक
ब्रेड खरीदने के लिए बैलगाड़ी भरकर रुपए ले जाकर खरीदते थे। इस संकट को अति मुद्रा स्फीति का नाम दिया गया। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने डाउस योजना बनाई और जर्मनी को मदद करने के लिए आगे बढ़ा। मंदी का साल, सन 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी में स्थिरता बनी रही क्योंकि उसे अमेरिका मदद कर रहा था। जर्मनी अमेरिका से लिए गए कर्जे पर आश्रित था क्योंकि उसने उससे उधार लिया हुआ था। विश्व में शेयर बाजार धराशायी हो गए। जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात बंद हो गई क्योंकि अब शेयर मार्केट में बहुत नीचे स्तर पर आ गया। और सन 1929 से लेकर सन 1932 तक अमेरिका की राष्ट्रीय आय आधी रह गई, उसकी फैक्ट्रियां बंद हो गई। अमेरिका की मंदी का असर पूरी दुनिया पर पड़ा और इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा क्योंकि जर्मनी को वह कर्जा दे रहा था और इससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ती गई। हिटलर का उदय, सन 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बहुत ही गरीबी में गुजरी। रोजी रोटी का कोई भी जरिया न होने के कारण हिटलर फौज में भर्ती हो गया। फौज में उसने संदेहवादक का काम किया। उसे वहां बहुत से पुरस्कार भी मिले क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया। जर्मनी की पराजय से वह बहुत ही दुखी हुआ और वर्साय की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। सन 1919 में हिटलर ने वर्कर्स पार्टी नाम की एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। इसी पार्टी को बाद में बच्चों नांसी पार्टी के नाम से जाना गया। सन 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करना और बर्लिन पर भी कब्जा करने की एक योजना बनाई, लेकिन वो इस योजना में असफल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला और कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। महामंदी के दौरान नासीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप धारण ले लिया बच्चों, और 1929 में जर्मनी बैंक दिवालिया हो चुके थे। काम धंधे बंद हो चुके थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्यम वर्ग को भूखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रोपोगंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देने लगी। 1932 तक यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। हिटलर जबरदस्त वक्ता था बच्चों, उसके भाषणों में बहुत जोश था और वो अपने शब्दों से लोगों को हिलाकर रख देता था। वह जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का आश्वासन देता था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। नाथसियों ने हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक व्यक्ति के रूप में पेश किया। लोकतंत्र का ध्वंस, 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद था बच्चों। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर लोकतांत्रिक शासन की संरचना को भंग करना उसने धीरे धीरे शुरू कर दिया। फरवरी माह में संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता आसान हो गया। इसके बाद हिटलर ने कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया। 3 मार्च 1933 को विशेष अधिनियम पारित किया गया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण हो गया। नाजी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। किसी को भी कानूनी कार्रवाई से देश से निकाला जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था, ऐसे कानून बनाए गए। पुनर्निर्माण, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉयल मार शाक्स्त को छोपी। विदेशी नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को कामयाबियां मिली। सन 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा हो गया। जो राइनलैंड मित्र राष्ट्रों के कब्जों में था वह छूट गया। एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया को अपने कब्जे में किया गया। हिटलर को इंग्लैंड का खामोशी से समर्थन उस समय तक मिलता रहा। सन 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड से भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि से हिटलर मजबूत हो गया और 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ हमला कर दी। सोवियत लाल सेना ने स्थलानी ग्रान
में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी, जो विश्व का जो पूर्वी प्रदेश था उस पर जापान की ताकत फैलती जा रही थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी की, इस कारण अमेरिका भी द्वितीय युद्ध में शामिल हो गया। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। नाज़ियों की दृष्टि से नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट सेंसर के सिद्धांतों पर आधारित थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्ल खत्म हो जाएगी। आर्य नस्ल को वो सर्वश्रेष्ठ मानता था। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को फैलाना चाहता था कि जर्मनी एक बहुत मजबूत राष्ट्र बने और वह पूरे यूरोप पर अपना साम्राज्य स्थापित करे। स्लावादी राज्यों की स्थापना। नाज़ी युद्ध व स्वास्थ्य नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। यूथनेजिया, दया, मृत्यु। हेलमुट के पिता ने असंख्य जर्मनों की मौत घाट पे उतारा था और इसी अवसाद की वजह से हेलमुट के पिता ने, जो मैंने शुरू में आपको कहानी बताई थी कि हेलमुट के पिता ने इसी वजह से आत्महत्या कर ली थी। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदी अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें दड़बों में रखा जाता था, उनके घेटों को दड़बे कहा जाता था। सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। इन्हें पोलैंड के गैस चैम्बरों में ले जाकर मार दिया जाता था और यह रणनीति उन्होंने अपनाई। नस्ली कल्पना लो यूटोपिया, पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। मौत का सिलसिला, पहला चरण। यहूदी और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी थी। जर्मनी जो लोग हैं वो यहूदियों से विवाह नहीं कर सकते हैं। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी थी बच्चों उस समय। दोनों में विवाहतर संबंध के अपराध घोषित किया गया था। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों के व्यवसायों का बहिष्कार किया जाता था, उन्हें सरकारी सेवाओं से निकाला गया, इनकी संपत्ति भी जब्त की गई। दूसरे चरण में यहूदियों के साथ तो बहुत ही अधिक अत्याचार किए गए। उन्हें कहा गया कि तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई भी हक नहीं है। नाज़ी जर्मनियों में युवाओं की स्थिति। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी अधिक थी। जर्मन और यहूदी बच्चे साथ में खेल वो बैठ नहीं सकते थे। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। बच्चों को वफादार व आज्ञाकारी बनाया जाता था। यहूदियों से नफरत व हिटलर की पूजा करना सिखाया जाता था। 10 साल की उम्र में बच्चों को यूंग फोक में दाखिल कर दिया जाता था। 14 साल की आयु में बच्चों को यूथ का सदस्य बनना पड़ता था। 18 साल की आयु में लेबर सर्विस में शामिल कर लिया जाता था। नाज़ी यूथ लीग का गठन सन 1922 में हुआ था बच्चों। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। मातृत्व की नाज़ी योजना। औरत और मर्द के समान अधिकारों का संघर्ष गलत माना जाता था। सन 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। प्रचार की कला। नाज़ी शासन को ने भाषा और मीडिया का होशियारी से उपयोग किया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, पोस्टरों, आकर्षक नारों का सहारा लिया जाता था। यहूदियों के लिए केचुआ, चूहा, कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। बहुत सारे लोग नाज़ी का विरोध करने से डरते थे। शार्लेट बैरोट ने अपनी पुस्तक थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स में नाज़ी के अत्याचारों के बारे में लिखा है। महाध्वंस, होलोकॉस्ट के बारे में जानकारी। नाज़ियों द्वारा यहूदियों में जो कत्लेआम सहा उसे ही महाध्वंस या होलोकॉस्ट कहा जाता है। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए और खामोशी से सब कुछ देखते रहे। इस प्रकार बच्चों, हिटलर को हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पत्र लिखा था तथा उनके पत्र का जवाब हिटलर ने भी दिया था। इस प्रकार हिटलर के बारे में मैंने आपको जो कुछ बताया, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन यदि आप
इन प्रश्नों के उत्तर लिखें जो मैं अभ्यास के प्रश्न दे रही हूँ, उसे आपको यह अध्याय और अच्छे से समझ में आ जाए। आप नांसी जर्मन स्कूल के बच्चे की कहानी लिखिए तो आपको बहुत अच्छे से यह अध्याय समझ में आएगा। यहूदियों की यातनाएं लिखिए, जर्मन वासियों ने यहूदियों को कौन कौन सी किस प्रकार की यातनाएं दी। हिटलर ने यहूदियों पर अत्याचार के 3 कारण लिखिए कि हिटलर यहूदियों पर अत्याचार क्यों करता था, और इसके आपको 3 कारण लिखना है। नाज़ी की स्थापना कैसे हुई, नाज़ी शासन में औरतों की क्या भूमिका थी, ये आखिरी प्रश्न है। इस प्रकार बच्चों आप इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपका यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतिहास में प्रश्न करना बहुत आवश्यक होता है ताकि अध्याय को हम अच्छे से समझ सकें। आशा करती हूँ बच्चों आप अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना से अपने आप को बहुत बचा के रख रहे होंगे, तथा वीडियो का पूरा लाभ लेकर आप अपनी पढ़ाई निरंतर बनाए रखिए। जय हिंद बच्चों।